दोस्तों, आज हम आपको सुंदरकांड की दो सिद्ध और चमत्कारी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं। इन चौपाइयों के बारे में मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य इन चौपाइयों को केवल सच्चे मन से सुन भी ले तो उसकी हर परेशानी स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हर लेते हैं तथा हर प्रकार के उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वैसे सुंदरकांड की हर एक चौपाई चमत्कारी और शक्तिशाली है, लेकिन शास्त्रों में इन दो चौपाइयों का महत्व कई गुना बताया गया है। इनका असर तुरंत होता है, इसी कारण यह विशेष चौपाइयाँ अत्यंत शक्तिशाली बतलाई गई हैं। इसके प्रभाव से बड़ा सा बड़ा संकट भी दूर हो जाता है, साथ ही आपके हर बिगड़े काम बनने लगते हैं। बस भक्त इन सुंदरकांड की चौपाइयों को ध्यान से सुने या फिर जपे। इन चौपाइयों के प्रभाव से भक्त पर आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, उसके हर कार्य बनते हैं और सफलता प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक तौर पर भी उसके अंदर अद्भुत शक्ति का समावेश होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी कई गुना बल के स्वामी हैं। यही कारण है कि इस चौपाई को सुनने मात्र से व्यक्ति के शरीर में अद्भुत ताकत और क्षमता आ जाती है। उसकी कुंडली चक्र को जागृत करने में ये चौपाई बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन दो चौपाइयों के बारे में। सबसे पहली चौपाई है, परवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहीम मिताई, कोपत सिंधु अनल सितलाई। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करने से सफलता मिलती है। जो भी ऐसा करता है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने गए थे तो इनके मन में इस काम के सफल होने को लेकर कोई भी शंका नहीं थी। तब उन्होंने श्री राम का ध्यान कर लंका में प्रवेश किया और अपने कामों में सफल रहे। इसलिए ये माना जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले या इंटरव्यू आदि से पहले इस चौपाई को बोलने से और श्री राम को याद करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दोस्तों, दूसरी चौपाई है, हनुमान अंगद रण गाजे, हांक सुनत रज नीचर भाजे। इस चौपाई में छुपा है यह संदेश कि राम रावण युद्ध में हनुमान अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भय और आक्रमण से रजनीचर यानी राक्षस रूपी बुरी शक्तियां मैदान छोड़कर भाग गई। व्यावहारिक जीवन में भी दुखों का नाश करने वाले रुद्र के अंश महावीर हनुमान के स्मरण से राक्षस रूपी भय परेशानी और चिंता बुरे भावों का अंत हो जाता है। दोस्तों, इन दोनों चमत्कारी चौपाइयों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं और खासकर सुबह के समय अगर इनका जाप किया जाए तो आपको बहुत जल्द अच्छे फल मिलने लगते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।